इंजीनियर और जेल का बदला वोट से, ये नारा था इंजीनियर रशीद का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके जो लोग आपके हवाले से कैंपेन कर रहे थे, आपके फर्जंद कर रहे थे, 5 साल बाद सर वापस आ रहे हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं आप तिहार के निकलते ही, आपने कहा कि यू वांट टू फाइट मोदीज नया कश्मीर। व्हाट इज मोदीज नया कश्मीर इन योर डेफिनेशन? यू नो बेटर देन दैट, मोदीज नया कश्मीर इज दैट कीप इंजीनियर रशीद जेल एंड ही शुड आइडिया। बट दे से इन मोदीज नया कश्मीर इंजीनियर रशीद वाज अलाउड टू कॉन्टेस्ट, ही वाज अलाउड टू फाइट। इट वाज नॉट ही, इट वाज द ऑनरेबल कोर्ट व्हिच अलाउड मी टू कॉन्टेस्ट। तो वो मुझे अब अगर उनका बस अगर वो इतना कहते फिर मुझे गिरफ्तार ही क्यों किया, उन्होंने एजेंसियाँ मेरे पीछे क्यों लगाई। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स। सो देयर इज नथिंग नया इन कश्मीर, द नया थिंग इज ऑनली सप्रेशन एंड ऑपरेशन। नया थिंग इज ऑनली दैट कश्मीर हैव बीन साइलेंस्ड। नया थिंग इज ऑनली दैट इफ दैट फ्रॉम अ स्टेट वी हैव रिड्यूस्ड यूटी। नया थिंग इज ऑनली कि अब वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। नया थिंग इज ऑनली अब बीजेपी बेशरम बहुत हो चुकी है। कहते हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट आ चुकी है, आप 5 साल बाद बाहर आए, कहीं डेवलपमेंट आपको दिखी, कहीं वो इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखी? कहते हैं कि खून खराबा बंद हो। अरे सर को पहले मुझे बताइए, हम खून खराबा चाहते हैं क्या? कोई चाहता है क्या? हम भी चाहते हैं खून खराबा ना हो, लेकिन लोग आज भी मर रहे हैं। ये खुद ही कहते हैं पाक, अगर खून खराबा बंद हुआ है फिर पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े? मिलिटेंसी बंद करो। अगर खून खराबा बंद हुआ फिर मिलिटेंसी बंद करने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो है ही नहीं कुछ। इट इज़ नॉट दैट थिंग, इट इज़ नॉट किलिंग मिलिटेंट्स एंड किलिंग मिलिटेंट्स, आर टू डिफरेंट थिंग्स। इन्हें चाहिए कि कश्मीर का मसला हल करें डिग्निफाइड वे से। हम इंडिया के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। हो सकता है जब लोगों से राय पूछी जाए कश्मीर के लोग इंडिया में ही रहें। थैंक यू। एक आंधी आई थी इंजीनियर रशीद के, जब पार्लियामानी इलेक्शन हुए थे तब आपके नाम से आपके चेहरे पर कहते थे कि एक मजलूम है जेल के अंदर जिसे हमें निकालना है। अभी बहुत सारे जेलों के अंदर हैं, उनके हवाले कई सारों के केसेस भी होंगे, जेन्युइन भी होंगे। बहुत सारे लोगों का कहना था कि उन्हें जम्मू कश्मीर के जेलों में लाया जाए, उस हवाले से कभी बात करेंगे? हमारी कोशिश है और हमने बात भी पहुँचा दिया सरकार तक कि एक एक कश्मीरी को छोड़ दें। जब आप नागालैंड में, सिक्किम में, नॉर्थ ईस्ट में आम माफ़ी दे सकते हैं तो कश्मीरी एक पॉलिटिकल रीजन से बंधे, पॉलिटिकल काज के लिए बंधे, उनके लिए आम माफ़ी क्यों देते हैं? उमर साहब ने अपनी टोपी नीचे उतार के कहा कि मेरी टोपी बचाओ। मुझे उनसे हमदर्दी है, वो सिर्फ एक काम करें, ये कहें कि त्यौहार में एक दिन रहूँगा, उनकी टोपी की लाज में रहूँगा, मैं उनको जिताऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।